हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दोबारा से एक और केबल की अनबॉक्सिंग, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पल्सर की क्लच केबल और चिक्सर की क्लच केबल। तो ये है हमारे सामने सबसे पहले बजाज पल्सर 150 cc UG3 UG4 की क्लच की केबल। पार्ट नंबर है इसका DJ19-10-15 और MRP है सिर्फ 169 रुपीज़। और लिखा भी हुआ है यहाँ पे केबल क्लच PU यानी कि पल्सर। तो देख लिया आपने, चलिए खोलते हैं इसे और देखते हैं कि किस कंपनी की क्लच केबल बजाज को मिल रही है बजाज की पैकिंग में, किस कंपनी की केबल बजाज की पैकिंग में आती है। तो ये हमारी केबल आ गई है, कुछ इस तरीके से ये फोल्ड है। इसे खोल लेते हैं और देखते हैं कि किस कंपनी की केबल है। ये है, इस पर सबसे पहले तो ये पार्ट नंबर इस पर दे रखा है, देख पा रहे हैं आप, DJ19-10-15 पार्ट नंबर है इस पर। और देखते हैं किस कंपनी की केबल है इसमें। ये लीजिए, ये देख लीजिए, इस पर कंपनी का नाम मेंशन है, सुपराजित कंपनी की केबल है। सुपराजित जेनुइन केबल प्रोवाइड कराता है बजाज को, और अलग से भी सुपराजित की केबलें आती है, पर जो सुपराजित की पैकिंग में होगी उसकी क्वालिटी आपको हल्की सी डाउन मिलेगी, और ये आपको 100% जेनुइन मिलेगी। तो ये थी बजाज पल्सर 150 cc की क्लच की केबल, जो 150 UG3 UG4 सब में लगती है। और इसे साइड करेंगे और आएंगे अब दूसरी क्लच केबल पे। तो ये है, पार्ट नंबर है इसका JC19-1004 और MRP है 185 केबल क्लच। तो ये है पल्सर 220 cc की क्लच की केबल, जो 180 UG4 में और UG5 में भी लगेगी। तो फाड़ते हैं इसे और चेक करते हैं कि कैसी होती है क्लच केबल, और ये केबल हल्की सी छोटी होगी उससे। और चेक करते हैं इस पर कौन सी कंपनी की केबल बजाज ने इसमें दी है। तो यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं, यहाँ पे पार्ट नंबर दे रखा है इसका, देख लीजिए पार्ट नंबर दे रखा है इसका, SEL, मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/2021 और पार्ट नंबर है JC19-1004, और वही पार्ट नंबर आपका इस पे भी था, क्या बोलते हैं, पैकिंग पे। और किस कंपनी की केबल है इसमें, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, उस पे 150 वाली पे मेंशन था कि सुपराजित की है। तो ये थी बजाज पल्सर 180 और 220 cc की क्लच की केबल। पल्सर 135 में भी इत्तेफाक से यही केबल लग जाती है। तो इसे साइड करेंगे और आएंगे सुजुकी जिक्सर की क्लच केबल पे। तो जिक्सर की क्लच केबल की पार्ट नंबर है 5820-34J-00 केबल असेंबली क्लच, और MRP है 286 रुपये। जी हाँ, 286 रुपये इसकी MRP है, काफ़ी महंगी केबल है, गाड़ी भी बहुत महंगी है। तो इसे फाड़ते हैं और देखते हैं कि केबल इसमें किस कंपनी की है। निकाली हमने बाहर, देख लीजिए कुछ इस तरीके की केबल आती है, योग रबड़ इसके भी साथ है। अभी तक जितनी भी हमने बजाज की केबल है जो थी, उसमें भी योग की जो रबड़ थी केबल की, वो साथ में थी, और इस पे कोई कंपनी मेंशन नहीं है योग रबड़ पे। केबल पे देख लेते हैं केबल किस कंपनी की है। अभी तक तो ये हमारा केबल पे पार्ट नंबर मेंशन है, ये आ गया 5820-34J-06, ये पार्ट नंबर है जो केबल पे मेंशन था, जो केबल की पैकिंग पे पार्ट नंबर था वही पार्ट नंबर केबल पे भी मेंशन है, पर किस कंपनी ने केबल बनाई है ये मेंशन नहीं है। तो ये थी सुजुकी जिक्सर की जेनुइन क्लच केबल, जो कि सिर्फ 286 रुपये की है। तो दोस्तों देख लिया आपने कि केबल है, हर गाड़ी की सस्ती नहीं होती, किसी की सस्ती है तो किसी की महंगी है, पर मुझे लगता है कि जेनुइन केबल ही लेनी चाहिए, फिर भी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100-150 रुपये की रेंज में आपको केबलें मिल रही हैं, तो जेनुइन ही लो, लोकल के चक्कर में अपनी गाड़ी ख़राब मत करो। बस यही था, आप मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई अनबॉक्सिंग के साथ। अगर आपको किसी पार्ट्स पे अनबॉक्सिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको उसी पार्ट्स पे वीडियो बना के दूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी दे सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों, बाय।